ये देखो यावन के हाथ में वॉलेट, देखा देखा। आज बहुत ही अजीब और गरीब चीज हो रहा है घर के अंदर, आप देख सकते हो पूरा हमारा शिफ्टिंग चल रहा है। देखिए देखा, सामान वामान सब पैक हो चुका। बहुत जल्दी हम लोग को शिफ्टिंग करना पड़ा थैंक्स टू दुबई। इधर का एक एक रूल्स ही ऐसा है, क्या करें। एनीवेज सब अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज हम एक्चुअली शिफ्टिंग कर रहे हैं इधर से और एक दूसरा जगह पे अभी ये जाने वाला है। तो आज 7 बजे से पहले हम लोग को शिफ्टिंग करने का। तो हमारे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने सब कुछ हेल्प किया, तो उसके कारण आज हम लोग इधर से निकलने वाले जल्दी। मैं बस अपने दोस्तों को ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, मेरे जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया आज और हमारे साथ थे, और उनका प्रेयर्स वेयर्स दुआ हुआ जो भी था उनके साथ, थैंक यू सो मच। इट इज़ रियली हेल्पफुल। अगर आप लोगों का प्रेयर्स नहीं होता तो मेरे को लगता कि आज हमको नया जगह मिल पाता और आज हम शिफ्ट कर पाते। तो सारी भाभी आज पूरा दिन इधर ही थी हमको हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच भाभी। और मेम साहब इधर बैठी हुई है नहीं, वो भी एक्चुअली पूरा दिन काम करी थी। दोस्तों अभी हमारा शिफ्टिंग तो हो चुका घर का, नया घर पे हम लोग गए, घर के पास ही है लेकिन टाइम लगेगा। अभी आपको मालूम है जब शिफ्टिंग होता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए टाइम लगता है, और वो भी नहीं उसके साथ साथ में एक नया घर पे जब जाते हैं हम लोग तो उसको सेटअप करने के लिए, वो सब सामान वामान इधर उधर, और थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए टाइम लगता है। अभी वही चल रहा है हमारा। अभी 2 दिन हो गया एक्चुअली हम लोग बराबर सोए नहीं है, सामान इधर उधर। तो मैं जा रहा हूँ काम पे, आज एक दो स्टूडेंट्स था वो ख़त्म करके, कल पूरा दिन रिकॉर्डिंग है मुझे, वो भी है। पता नहीं अभी कितना दिन लगेगा हमारा ये घर पे सेटल होने के लिए। आज जो है स्टूडियो में ताइवान से कुछ लोग आए और वो लोग का रिकॉर्डिंग चल रहा है, और उसके कारण ना मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बिकॉज़ इस बंदे को जो है इंग्लिश नहीं आता है तो पूरा चाइनीज़ में ये लोग बात कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं आज। तो अभी इधर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये लोग मोबाइल में हैं और मोबाइल में बैठ के उसके साथ एक ट्रांसलेटर है, और उनका प्रोड्यूसर भी है साथ में उसके साथ, उसका जो है रिकॉर्डिंग सेशन इधर चल रहा है अभी, क्योंकि जो सिंगर है उसको इंग्लिश आता नहीं है। तो आप देख सकते हो इधर कैसे चल रही है, और उधर सिंगर है देखो। एरिया जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नहदा 2। पहले हम लोग नहदा 1 में थे, अभी हम लोग नहदा 2 में आ गए। हम लोग को आज घर भी दिखाता हूँ मैं। ऑलमोस्ट मैं एक कूड़ा कचरा वाला दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत सफाई करके रखा है, तो वो दिखाऊंगा आपको आज। तो दोस्तों ये है हमारा घर, अभी एक्चुअली आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये अभी पूरा हालत ख़राब है, अभी अभी शिफ्ट किया हमने। थोड़ा पुराना बिल्डिंग है ये, लेकिन फिर भी चलेगा, रेंट कम है इधर, तो उसके हिसाब से आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा फ्रंट रूम। अभी बेसिकली हम लोग सेटअप कर रहे, देखो ये सोफ़ा सब ख़राब है एक्चुअली, इन्होंने जो दिया था बड़ा बदलने के लिए बोला, अभी तक बदला नहीं ये लोग। ये इधर टीवी स्टैंड नहीं था हमारे पास, तो एक टीवी स्टैंड अभी हम लोग अमेजन से मंगाया छोटा सा, तो याविन खोल रहा अभी प्रिपरेशन। और ये घुसते एक छोटा सा बाथरूम है, पैम अभी सेटअप कर रही है उसको पूरा, तो यही है। और उसके बाद ये है हमारा कॉरिडोर, ये हो गया हमारा किचन। ये सब सामान एक्चुअली इन्होंने दिया है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली अभी भी कुछ लीक है गैस का। ये हो गया किचन, ये सब हमारा सामान हम लोग लेके आए थे पुराना स्टूडियो से। और ये रहा बेडरूम, तो हमारे पास बेसिकली सामान ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बेड नहीं था, बेड वेड सब उन्होंने दिया, तो अभी बाकी सब हम लोग सेटअप कर रहे हैं अभी इधर। ये देखिए, और ये अलमीरा एक, और ये एक और बाथरूम, तो ये छोटा सा एक और बाथरूम है इधर। ये इसके ऊपर ग्लास लगना चाहिए, अभी तक लगाए नहीं वो लोग, वो लगेगा। ये भी इधर हम लोग अभी सेटअप कर रहे हैं पूरा। पहले जब आए थे इसका हालत कुछ बहुत ही गंदा था ये घर का। या
हाँ ओके। और ये रही है एम्बर, ये अभी भी इसको थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि टेंशन में, अभी थोड़ी सही हो गई है, पहले दिन तो बहुत ही उसको टेंशन था। तो अभी मैं और याविन मिलके हम लोग ये फिट करेंगे अभी, ठीक है। Okay, this is Mama, and she's doing this TV thing. What TV stand, right? Yeah, TV stand. And we did this whole thing together. Now this is the bird. Who? What? Died because of Amber. Yeah, Amber caught this bird, the sparrow. My God. You got allergy, Gavin? Come on. Come. तो दोस्तों आज एक्चुअली एक अजीबो और गरीब चीज़ हो गया था एक्चुअली। अजीबो और गरीब चीज़ बोलूँ तो एक्चुअली एम्बर ने हमारे नए जगह पे क्या बोलो अभी, ये देखो मेरे हाथ पे क्या, ये देखो एम्बर ने एक्चुअली इस बेचारे चिड़िया को पकड़ लिया, और ये बहुत ही छोटी प्यारी स्पैरो है, और क्या बोलो अभी मैं इसको। और एम्बर इससे पहले भी एम्बर ने ऐसे एक हरकत किया था, एक पूरा कबूतर को खा लिया दोस्ती, या होल, या सी यावेट क्या बोल रहे, हाउ बिग हार्ट, मतलब पूरा हार्ट पिक। ये तो फिर भी बच्ची है, और ये एम्बर इसको पकड़ के लेके आया बाहर बालकनी से हमारे नए जगह से। सो फाइनली आई बी ऑलमोस्ट, हमारा जो है काम ऑलमोस्ट बोल सकता है कि 50 से ऊपर हो गया है परसेंटेज। अभी ये है हमारा घर, देख सकते हो ये जो सेटअप करते हैं हमने। यार एक गलती हो गया, हमने एक कर्टन लिया था, लेकिन कर्टन जो है थोड़ा लंबा हो गया, तो अभी पैम बैठ रही है और ये स्टिच कर रही है, थोड़ा लंबा हो गया कर्टन। एनीवेज ये है अभी तक का हमारा जो है, ये हमारा एंट्रेंस है, और मैं आप लोगों को अंदर मैं अपना सिस्टम दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा किचन, ये हो गया किचन, और हमारा जो है मेन बेडरूम जो है ये है, ये हमारा बेडरूम। तो अभी तक अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ है, अभी भी देखिए पूरा सामान वामान सब इधर, अलमारी नहीं हमारे पास, तो उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग ये सेट नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है अभी उसका कुछ ना कुछ, अभी एक मेरे को लग रहा है छोटे छोटे सामान सब निकल जाएगा, एक अलमारी लेना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में लेंगे अभी नहीं। फिर उसके बाद एक बार सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो फिर आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा आराम लग रहा है, पिछले 2-3 दिन से भागा दौड़ी ये सब चीज़ें चल रहा था, और मतलब इधर जो होता है, एक बार हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, आपको मालूम है जब भी घर का शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट और गैस, ये कनेक्शन वनेक्शन बहुत कुछ चीज़ है जो करना पड़ता है, और उसके बाद नए घर पे फिर वो शिफ्टिंग करना पड़ता है, उसका कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट देना पड़ता है, वो सब ख़त्म हो गया। अभी मोस्टली काम जो है पैम ने किया, पैम मेरे को एक्चुअली करने नहीं देती काम जब शिफ्टिंग चलता है, क्योंकि उसका अपने एक तरीका है, उसको ओसीडी बहुत ज़्यादा ही है मेरे से, तो वो करती है ज़्यादातर जब भी शिफ्टिंग होता है, ये दूसरी बार हो रहा है हमारा शिफ्टिंग, जब भी शिफ्टिंग होता है वही करती है सब कुछ, बाद में आने के बाद मेरे से बोलती है तू अपना काम कर बाकी सब मैं देखूँगी। तो ये मेरे को लग रहा है औरत लोग का ये चीज़ है, उनका अपना जब घर होता है तो वो अपना ही ऊपर ले लेते सब कुछ, तो बस
आज हम लोग नए घर पे आए और अभी इधर से शुरुआत करना है। होपफुली ये घर हमारे लिए लकी होगा, बाकी तो घर हम जो बनाते हैं वही घर होता है कि नहीं। ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था कुछ दिनों के लिए, मेरा कुछ ना कुछ अड़ंगा आता रहता है, अब करूँगा, शुरू करूँगा ब्लॉगिंग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये सब अभी दो तीन दिन में मैंने ये क्लिप्स लिया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थक चुका था, बहुत काम भी था, फिर बीच में काम ऑफिस में भी जाना पड़ा था, एक दो रिकॉर्डिंग आ रहा था तो उसके लिए भी जाना पड़ रहा था, और शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ होता कि खर्चा, वो दूसरे एक और चीज़ होता है, वो तो जानते हो आप, तो जेब खाली हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, इधर उधर से लेके सब कुछ एडजस्ट करके हमने आज शिफ्टिंग कर लिया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, अच्छे दोस्त लोग थे हमारे जो हेल्प किया हम लोग को शिफ्टिंग के लिए भी और जो भी थे हर चीज़ के लिए, और दुआ, प्यार, मोहब्बत और प्रेयर्स उनका, उसके कारण आज हम ये कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कल का कंटेंट बनाना है आज। धन्यवाद।